नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही इजी नाश्ता लेके आई हूँ, झटपट बनने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नाश्ता हमारा बनेगा सूजी से, और ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बच्चों को तो पसंद आता ही आता है। और ये नाश्ता हम बच्चों के टिफिन में भी लगा सकते हैं, बच्चे अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा नाश्ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप बड़े वाले कप से पानी लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाला है, जीरा डाला है, और मैंने मिर्च डाली है, और यहाँ मैंने 1 चम्मच रिफाइंड डाला है। 1 कटोरी सूजी ली है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। पानी यहाँ हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ना ही बहुत कम रखना है, हिसाब से रखना है। और थोड़ा थोड़ा करके हमें गर्म पानी होने पर सूजी अपनी डालनी है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप सूजी को डाल सकते हैं। और इसमें कच्चा पक्का होने की कोई बात नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। अगर ये कहीं से कच्चा भी रह जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल। देखिए पानी सारा एब्जॉर्ब हो गया है हमारा, सूजी ने कर लिया है। अब इसका एक डो हमें तैयार करना है। ये देखिए ठंडा हो गया है, गर्म सूजी में आप हाथ मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा आपका। ये देखिए हमें इसे बड़ी प्लेट में पलट लेना है कि जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने सूजी इसमें सब पलट दी है कि ये जल्दी ठंडी हो जाए। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू उबाल लिए थे, उनको मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके अच्छे से रख लिए, ठंडे हो गए थे वो। मैंने जो सूजी पकाई थी उसी में मैंने वो 4 आलू मैश करके डाल दिए हैं अच्छे से। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है मीडियम साइज का, कुछ मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मेरे यहाँ बच्चे हैं तो मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ हरी मिर्च का। तो यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली हैं, और नमक हम पहले से डाल चुके थे। यहाँ पर मैंने हल्का सा चावल का आटा डाला है, 2 चम्मच डाला है मैंने चावल का आटा, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप रहने दीजिए, सूजी से भी अच्छी बाइंडिंग होती है, आप अच्छे से बना सकते हैं इसको। देखिए मैंने पूरा उसको डो अच्छे से बना लिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेने के बाद इसको मैंने एक रोल बना लिया है इस तरीके से। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। इस तरीके से देखिए मैंने डो बना लिया है, आप इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, आलू टिक्की की तरियां भी फ्राई कर सकते हैं, या छोटे छोटे स्नैक की तरियां बना सकते हैं। मुझे बच्चों के टिफिन के लिए बनाना था ये वीडियो, मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, आज मैं डाल रही हूँ। जब बच्चों के स्कूल खुले थे ये वीडियो तब का है। ये देखिए इस तरीके से मैंने तैयार सब कर लिए हैं। ये मेरा नाश्ता जो बन रहा है सुबह का टाइम है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, इसमें मैंने इसको डाल दिया है। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इतना प्यार पाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ी खरखरा रही होगी क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से कोल्ड हुआ है इस टाइम। ये देखिए फ्राई करने के बाद हमारे नाश्ते इस तरीके से हैं, बहुत जल्दी बना है। आप सभी लोग जानते होंगे सुबह टाइम नहीं रहता, इसलिए मैंने झटपट बनाया था। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।